दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी मोटर जो है वो कितना करंट लेती है, कितना एम्पीयर लेती है। ये जो डिमांड है आप सभी लोगों की, वो आज मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो बहुत दिन हुआ मैं इस पे वीडियो बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पा रहा था। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि कौन सी मोटर कितना एम्पीयर लेती है। अब एक चीज़, इसकी जो फॉल्ट है यानी कि अगर किसी समर्सिबल मोटर का एम्पीयर इंक्रीज़ होगा, किसी समर्सिबल मोटर का एम्पीयर डिक्रीज होगा, या फिर सेम रहेगा या फिर कम ज़्यादा रहेगा, तो फिर मोटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। कुछ दिन के बाद अपडेट वहाँ पे हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन सी मोटर कितना एम्पीयर लेती है। तो उससे पहले मैं दोस्तों एक और थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है। दोस्तों जब भी आप कोई समर्सिबल मोटर चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको समर्सिबल मोटर का वाइंडिंग चेक करना चाहिए। अगर आपके समर्सिबल मोटर का वाइंडिंग जला है, शॉर्ट है, तो उस मोटर को निकालना है, रिवाइंड करना है, छोड़ देना है, तो मोटर चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारी समर्सिबल जो है वो पानी के अंदर है, हम इसको बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पे हमारी जो समर्सिबल मोटर की वाइंडिंग जो है बिल्कुल अच्छी है, उसकी बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत आती है क्लैंप मीटर की। क्योंकि ये जो क्लैंप मीटर है हमें बाकी सभी पार्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो दे देता है, जैसे कि हमारे समर्सिबल मोटर का बेरिंग बूच, या फिर पंप का ख़राब होना, या फिर पंप एम्प्टी घूमना, या फिर पानी खींचना, या फिर मोटर पे दबाव आना, लोड आना, तो ये सारी चीज़ें हमें बता देगा क्लैंप मीटर। तो हम ऊपर से ही पता लगा सकते हैं कि मोटर के अंदर क्या फॉल्ट है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं। मोटर को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, जब समर्सिबल मोटर हमारी बोरवेल के अंदर है तभी हम इन सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। और इसका जो पार्ट टू है आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वो पार्ट ज़रूर देखना क्योंकि वो बहुत ही नॉलेजेबल है और ये भी नॉलेजेबल है। साथ में हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप समर्सिबल मोटर का एम्पीयर अपने दिमाग में सेव करके रख सकते हो, आप याद रख सकते हो। इस वीडियो के बाद आप किसी भी समर्सिबल मोटर का एम्पीयर भूल नहीं सकते। तो दोस्तों चलिए, हमें एम्पीयर चेक करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि एक क्लैंप मीटर, जिसकी कीमत होती है 400-500। तो ये आपको होलसेल में या फिर ऑफलाइन में तो ये आपको 300-400 में मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको इस मीटर के साथ मिल जाती हैं, ये होती है तार और ये होता है हमारा क्लैंप मीटर। इससे हम किसी भी मोटर का एम्पीयर जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या फंक्शन देखने मिलते हैं, एक तो पहले आप किसी भी चीज़ का एम्पीयर चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, तो ये सारी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी भी समर्सिबल मोटर का एम्पीयर चेक कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखेगा ये जो है यहाँ पे ऑफ है, इसको ऑन करके आपको यहाँ पे 1000 पे रखने के बाद ये 1000 तक एम्पीयर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और यहाँ पे 200 पे रखना है आपको, तो यहाँ पे आप 200 तक एम्पीयर चेक कर सकते हो। आपको यहीं पर 200 पर ही सेट कर देना है क्योंकि हमारी जो भी समर्सिबल मोटर है वो 200 से ज़्यादा करंट नहीं लेती है। तो बड़े बड़े कारखाने में ज़्यादा एम्पीयर लेती होंगी, लेकिन हमारे नॉर्मल जो एग्रीकल्चर में जो मोटर आती हैं तो वो 200 से ज़्यादा करंट नहीं लेगी। तो आपको इसी फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो आप किसी भी मोटर का इस तरह, अभी जो क्लैंप मीटर जो है हमारा रेडी है, तो किसी भी चीज़ का हम जो है एम्पीयर चेक कर सकते हैं। मतलब इसका नहीं चेक करना है, मोटर का चेक करना है, ये इस तरह आपको लगाना है। मान लीजिए तार है तो इस तरह आप किसी भी मोटर का एम्पीयर चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले आप एक एग्जाम्पल देख लो और फिर आगे की बात हम बाद में करें। तो चलिए अभी हमारे इस कुएं का हम पानी चेक करके बताते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो है दूसरी मोटर चालू है, तो उसी के अंदर से भी इस मोटर का जो पानी है वो आ जाएगा, और इसके अंदर की जो मोटर है वो है 5 HP की 36 मीटर हेड वाली, यानी कि सबसे छोटा वाला मॉडल है इसके अंदर। तो वो देखते हैं कि अभी एम्पीयर चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे इस बॉक्स के अंदर से पहले हमें क्लैंप मीटर निकालना होगा और इसको सेट कर देना है हमें 200 के ऊपर, 1000 के ऊपर हुआ और फिर 200 के ऊपर। तो अभी यहाँ पर आपको सेट कर देना है इसको। तो हमारा अभी मीटर रेडी है इस मोटर का एम्पीयर चेक करने के लिए। तो यहाँ से पहले से हमारा स्टार्टर ऑफ है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जो मीटर है यहाँ पर 00 या फिर 00.1 की रीडिंग है क्या नहीं वो आपको देख लेना है, और फिर आपको किसी भी तार में ये जो है क्लैंप है तो इसको क्लैंप को कुछ इस तरह करके किसी भी एक तार में आपको अटकाना है। आप चाहे कहीं पर भी अटका सकते हो, ये जो मोटर है 3 फेज की है, आप फेज चाहे फेज के नीचे भी चेक कर सकते हो, चाहे फेज के ऊपर भी चेक कर सकते हो, चाहे आप मोटर की तार को भी चेक कर सकते हो, तो ठीक है। तो अभी मैं मोटर को ऑन कर देता हूँ।
तो मैंने मोटर को ऑन कर लिया और जो पानी है हमारा ज़्यादा आ रहा है मोटर का, आप देख सकते हो। और मोटर जो करंट ले रही है वो ले रही है 5 या फिर 6। तो अभी दूसरी तार के अंदर चेक करेंगे, यहाँ पर नीले तार के अंदर ले रही है 4-5 और लाल कलर की तार के अंदर ले रही है 4-5। तो आप मोटर के तारों को भी चेक कर सकते हो, जैसे कि नीले तार को करंट ले रहा है 5, लाल कलर के जो तार को करंट ले रहा है 5 और पीले कलर को जो करंट ले रहा है वो ले रहा है 5। तो लगभग हमारी मोटर जो है बिल्कुल सही से काम चल रही है। तो अभी कोई काम नहीं, तो इस मोटर को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 एम्पियर आ रहा है, अभी ऑफ़ करने के बाद 0-0 आ जाएगा। तो मैंने मोटर को ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे देखेंगे तो फिर से 0-0 रीडिंग आ चुका है। तो कुछ इस तरह प्रोसेस होता है मोटर का एम्पियर चेक करने का। हाँ, तो चलिए दोस्तों मैं अभी मेन मुद्दे पे आता हूँ कि हमारी जो मोटर है कौन सी मोटर कितना करंट लेती है। तो इसके अंदर मैं 4 टाइप बता देता हूँ। पहला है हमारा V4 समर्सिबल मोटर, दूसरा है हमारा V6 समर्सिबल मोटर, तीसरी है हमारी पनडुब्बी और चौथी है हमारी सिंगल फेज मोटर। तो इन सभी के जो एम्पियर है आज मैं आपको बारी बारी से बताऊँगा। उससे पहले मैं एक बात बताऊँगा आपको कि मैं भूल गया, उसको याद करूँगा फिर आपको बताऊँगा। हाँ दोस्तों, मुझे याद आया दोस्तों, एम्पियर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मोटर का एम्पियर जो होता है वो फिक्स नहीं रहता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे मोटर का मतलब वहाँ पे लाइन वोल्टेज कितना आ रहा है, वहाँ पे जो हमारे जो मोटर के पास जो वाटर लेवल है बोरवेल का या फिर कुएँ का वो कितना है, या फिर आपकी मोटर कौन से कंपनी की है। तो अलग अलग वाटर लेवल की जगह पर मोटर की अलग अलग एम्पियर लेंगी, अलग अलग वोल्टेज होने की वजह से कम ज़्यादा वोल्टेज होगा तो भी वहाँ पर मोटर जो है कम ज़्यादा करंट लेगी। और जो दूसरी बात जो है कि अलग अलग कंपनी की अलग अलग एम्पियर लेंगी, वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कृष्णा की 5 HP की मोटर 5 एम्पियर ले रही, तो कोई और कंपनी की 5 HP की मोटर 7 एम्पियर ले सकती है या फिर 10 भी ले सकती है। तो चलिए ये सारी चीज़ें आपको पहले मैं बता दिया। तो अभी एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि हमारे 3 फेज मोटर के अंदर, अभी सिंगल फेज को मैं लास्ट में रखूँगा, सबसे पहले मैं पनडुब्बी V4 और V6 के बारे में बात करूँगा। तो हमारी जो मोटर्स जो हैं, यार मैं हमेशा भूल जाता हूँ इस कैमरे के सामने ही। हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा कि आपकी कौन सी मोटर कितना एम्पियर लेती है, जो कि ट्रिक होगा आपके 3 फेज मोटर के बारे में, जो कि आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए दोस्तों, आपको HP तो पता होगी मोटर की, या फिर आपको गहराई तो पता होगी, गहराई तो नहीं लेकिन HP के बारे में बात करूँगा। तो HP अगर आपको पता है तो आपको खुद ना खुद पता चल जाएगा कि कौन सी मोटर कितना एम्पियर लेती है। जैसे कि एक पनडुब्बी के बारे में ये परफेक्टली काम करेगा, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगा। ये ट्रिक है कि आपकी मोटर का जो भी एम्पियर है वो एम्पियर HP के दुगना लेगा। जैसे कि आपकी 5 HP की मोटर है तो 10 एम्पियर लेगी, जैसे कि आपकी 10 HP की मोटर है तो 20 एम्पियर लेगी, अगर 20 HP के मोटर है तो वो 40 एम्पियर लेगी। तो ये हमारा फंडामेंटल ट्रिक है, लेकिन ऐसा सभी मोटरों में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि कौन सी मोटर कितना करंट लेती है। तो चलिए अभी इस हिसाब से, ये ट्रिक से हम स्टार्ट करते हैं कि पनडुब्बी से। तो पनडुब्बी जो हमारी शुरू जो होती है 3 फेज की मोटर, जो कि 3 शुरू होती है वो 3 HP से। तो हमारी 3 HP की जो पनडुब्बी समर्सिबल मोटर है वो 5 एम्पियर ले सकती है, 6 या 5। हमारे ट्रिक के अनुसार 6 आ जाएगा, यानी कि हमारी HP कितनी है 3, तो ये कितना एम्पियर लेना चाहिए 6, तो 6 एम्पियर ले सकती है, तो इसमें कोई शक नहीं है। हमारी अगली जो पनडुब्बी है 5 HP की, तो 5 HP में आपको अलग अलग 2-3 मॉडल देखने को मिल सकते हैं। एक मिल जाएगी 35 मीटर के हेड में, एक मिल जाएगी 76 मीटर में या फिर 36 मीटर में, यानी कि 5 HP की ही पनडुब्बी एक ही कंपनी की लेकिन अलग अलग मॉडल, ठीक है। तो ये अलग अलग एम्पियर लेगी, जैसे कि 5 HP में आपको 3 मॉडल मिल जाएंगे, एक छोटा वाला, एक उससे बड़ा वाला या एक उससे बड़ा वाला। तो सबसे जो छोटा वाला अगर 5 HP की पनडुब्बी है आपके पास तो वो एम्पियर लेगी 8, और उससे बड़ा होगा तो वो लेगी 12, या फिर उससे बड़ा होगा तो वो लेगी 14। तो पनडुब्बी का ये तो हो गया। अभी बात करते हैं 7.5 HP की, अगर हमारे पास 7.5 HP की पनडुब्बी है तो वो एम्पियर लेगी 14, अगर हमारे पास 10 HP की पनडुब्बी समर्सिबल मोटर है तो वो एम्पियर लेगी 20, यानी कि 10 का दुगना कितना होगा 20। और हमारी जो 12.5 HP की पनडुब्बी है वो एम्पियर लेगी 24 या फिर 25 या फिर 28। और हमारी जो 15 HP की पनडुब्बी है वो एम्पियर लेगी 28 या फिर 30 या फिर 32, यानी कि 32। और हमारी जो
20 एचपी की जो मोटर है पनडुब्बी समर्सिबल मोटर, तो वो एम्पीयर लेगी 40 या फिर 38 यानी कि 38 या फिर 42 भी ले सकती है, यानी कि मैंने कहा ना कि अलग अलग कंपनी की मोटर जो है अलग अलग करंट लेगी, अलग अलग एम्पीयर लेगी। तो मुझे यहाँ तक ही पता है, इसके आगे का पता नहीं है क्योंकि इससे बड़ी मोटर मैंने कभी देखी ही नहीं। चलिए अभी जो बात करते हैं हम V6 समर्सिबल मोटर के बारे में, ये जो मोटर है हम बोरवेल के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये कौन सी मोटर कितना एम्पीयर लेती है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 3 HP से। हमारी 3 HP की अभी जो बात करूँगा, मैं बार बार आपको नहीं बताऊँगा, अभी जो बात करूँगा मैं V6 समर्सिबल मोटर के बारे में जो कि होगी हमारे बोरवेल के अंदर। ये जो मोटर है 3 HP की मोटर जो है वो एम्पीयर ले सकती है 8 या फिर 10। 5 HP की मोटर ले सकती है एम्पीयर 7, 8 या फिर 10। 6 HP की मोटर एम्पीयर ले सकती है 12 या फिर 13 या फिर 10। 7.5 HP की एम्पीयर ले सकती है मोटर 14 या फिर 13 या फिर 15। 8 HP की मोटर एम्पीयर ले सकती है 16 या फिर 18 या फिर 20 भी ले सकती है। कुछ कुछ कंपनी की मोटर 20 भी एम्पीयर लेती हैं। और V6 समर्सिबल मोटर में 6 HP की भी कुछ ऐसी मोटर हैं जो कि 18 तक भी एम्पीयर ले सकती हैं, क्योंकि 6 HP की मोटर हम 400 या फिर 500 फीट मोटर छोड़ने के लिए वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर 6 HP की मोटर आप 300 के अंदर छोड़ते हैं तो ये 12 एम्पीयर लेगी, अगर आप उसको 400 से आगे छोड़ते हैं तो ये हो सकता है कि 15, 16, 17, 18, तो इसमें इनमें से कौन सा भी करंट ले सकती है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपका वोल्टेज कितना है या फिर आपके बोरवेल का वाटर लेवल कितना है। तो मैं 8 HP तक आ चुका था, अभी बात करते हैं 10 HP की। तो 10 HP की V6 समर्सिबल मोटर एम्पीयर ले सकती है 20 या फिर 22 या फिर कुछ कुछ जो समर्सिबल मोटर है वो 25 भी एम्पीयर ले सकती हैं। और ये मोटर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि ज़्यादा करंट लेती है, क्योंकि जब भी आपका नॉर्मल केबल आता है 4 mm का या फिर 6 mm का, अगर हमारे मोटर का एम्पीयर अगर हमारे मोटर का एम्पीयर 20 एम्पीयर से ऊपर चला जाता है तो केबल गर्म होने लगती है। हमारे 4 mm का केबल जो है समर्सिबल मोटर का, अगर 20 से ऊपर अगर करंट चला जाता है मोटर का तो वो मोटर का केबल गर्म होने लगता है, या फिर अगर 25 एम्पीयर लेगा हमेशा तो केबल अगर वीक होगा 4 mm का होगा तो केबल बार बार कटने की ज़्यादा संभावना रहती है। ये अभी V6 के बारे में बता दिया, अभी V4 समर्सिबल मोटर के बारे में बात करते हैं। हमारे अभी जो बताऊंगा सारी चीज़ें वो V4 समर्सिबल मोटर, जो कि मोटर छोटी होती हैं जिसको हम काला पाइप यूज़ करते हैं, समर्सिबल मोटर जो बोरवेल के अंदर डालते हैं इसको, और ये बहुत इजी होता है, इसको निकालना, छोड़ना, डालना, रिवाइंड करना बहुत इजी होता है। पता नहीं कौन हॉर्न बजा रहा, मैं देख के आता हूँ 1 मिनट। तो दोस्तों मेहमान आ चुके हैं तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो हमारी V4 समर्सिबल मोटर जो है 3 HP की 7 या फिर 8 एम्पीयर ले सकती है या फिर 5 भी ले सकती है। 5 HP की जो मोटर है हमारी V4 समर्सिबल मोटर वो 7 या फिर 8 या फिर 10 एम्पीयर ले सकती है, और 7.5 HP की जो मोटर है V4 के अंदर तो वो एम्पीयर ले सकती है 10 या 12 या फिर 15 भी ले सकती है कुछ कुछ कंपनी की। तो इससे जो ऊपर की HP है मेरे को पता नहीं है। चलिए अभी अगली जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि हमारी सिंगल फेज की मोटर जो है V4 सिंगल फेज समर्सिबल मोटर, तो ये कौन सी मोटर कितना एम्पीयर लेती है। तो इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद कंफ्यूजन हूँ कि कौन सी मोटर कितना करंट लेती है, क्योंकि यहाँ पे तो कंपनी के ऊपर बहुत डिपेंड करता ही करता है और वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 1 HP के V4 सिंगल फेज समर्सिबल मोटर कुछ जो मोटर हैं ऑयल फील्ड होंगे तो बहुत ही कम एम्पीयर लेगी, जैसे कि 2-4 एम्पीयर में चल जाएगी, लेकिन मैं बात करूंगा वाटर फील्ड मोटर की। तो वाटर फील्ड अगर हमारी V4 समर्सिबल मोटर है जो कि सिंगल फेज की, तो वो 1 HP के आधा HP की मोटर अगर अच्छी मोटर है तो वो एम्पीयर लेगी 5 या फिर 6 या फिर 7। 1 HP की मोटर जो है वो एम्पीयर ले सकती है 5, 6, 7, 8, या फिर कुछ कुछ मोटर जो है 1 HP की वो एम्पीयर 10, 12 या फिर 15 भी ले सकती हैं। हमारी 1.5 HP की जो V4 सिंगल फेज समर्सिबल मोटर जो है वो करंट ले सकती है, अगर अच्छी क्वालिटी की मोटर है, अच्छी कंपनी की मोटर है, तो 10 एम्पीयर लेगी या फिर 12, या फिर कुछ कुछ मोटर ऐसी हैं कि 1.5 HP की मोटर 20 भी करंट ले सकती हैं। 2 HP की मोटर जो है अगर अच्छी कंडीशन में मोटर है यानी कि अच्छी क्वालिटी की मोटर है तो वह एम्पीयर ले सकती है 14 या फिर 15 या फिर कुछ कुछ 10 भी ले सकती हैं, अगर
कुछ कंपनी की ऐसी भी मोटर हैं कि वो 25 तक एम्पीयर लेती हैं। तो बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा, इसके आगे कुछ नहीं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आ गया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे।